जंगल में होली का त्योहार आने वाला था। सभी पक्षी बहुत खुश थे, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत उदास थी, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटी के लिए रंग गुलाल और नए कपड़े खरीद सके। इधर चिड़िया के पड़ोसी कालू और गौरी होली का त्योहार का सुनकर बहुत खुश थे। तभी गौरी कालू से कहती है, कालू जी क्यों ना इस बार जंगल के सभी पक्षियों के साथ मिलकर हम लोग होली मनाएं। गौरी की बात सुनकर कालू कौवा भी बहुत खुश होता है और गौरी से कहता है, क्यों नहीं गौरी, हम दोनों मिलकर सभी पक्षियों से कुछ पैसे इकट्ठे करके होली का त्योहार मनाया जाए। फिर कालू और गौरी आपस में बात करके जंगल के सभी पक्षियों से एक एक करके 2,000 रुपए इकट्ठा करने निकल जाती है। सबसे पहले मिट्ठू तोते के पास जाती है और तभी कालू मिट्ठू तोते से कहता है, अरे ओ मिट्ठू, हम लोग होली का त्योहार आयोजन कर रहे हैं, इसलिए सभी पक्षियों से 2,000 रुपए ले रहे हैं, तुम भी ले आओ। कालू की बात सुनकर मिट्ठू तोता बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी हरियाली से 2,000 रुपए लेकर दे देता है। फिर कालू और गौरी वहां से कबूतर के घर जाते हैं और तभी गौरी कौवी कबूतर को आवाज लगाती है। आवाज सुनकर कबूतर घर के बाहर आता है। वे कबूतर कहता है, कालू और गौरी आप दोनों सुबह सुबह यहाँ। तभी गौरी कबूतर से कहती है, अरे ओ कबूतर, हम दोनों मिलकर जंगल में होली का त्योहार आयोजन कर रहे हैं, इसलिए जंगल के सभी पक्षियों से 2,000 रुपए ले रहे हैं। गौरी की बात सुनकर कबूतर भी बहुत खुश होता है और गौरी से कहता है, अरे वाह गौरी बहन, आप दोनों तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस बार होली में बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर घर के अंदर जाकर 2,000 रुपए लाकर दे देता है। ऐसे ही कालू और गौरी एक एक करके जंगल के सभी पक्षियों के यहाँ जाती और पैसा इकट्ठा कर लेती है। अंत में गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी अब बस चिड़िया का घर ही बचा है। तभी कालू कहता है, गौरी चलो जल्दी से चिड़िया के घर भी चलते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं और चिड़िया का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ छोटी चिड़िया, जरा बाहर तो आना। गौरी की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया घर के बाहर आती है। तभी टूनी गौरी से कहती है, क्या हुआ गौरी बहन? तभी गौरी टूनी से कहती है, मैं और मेरे पति कालू जी जंगल में होली का त्योहार का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी पक्षियों से 2,000 रुपए इकट्ठा किए हैं, तुम भी ले आओ। गौरी की बात सुनकर टूनी चिड़िया बहुत उदास होकर गौरी से कहती है, गौरी बहन, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं दे सकूं। टूनी की बात सुनकर गौरी टूनी से कहती है, अरे ओ छोटी चिड़िया, तेरे पास पैसे नहीं है तो तुम कैसे शामिल होगी? तभी टूनी उदास होकर गौरी से कहती है, कोई बात नहीं गौरी बहन, मैं अपने बेटे के साथ ही होली मना लूंगी। चिड़िया की बात सुनकर गौरी कहती है, हाँ ये ठीक
ठीक है। और चिड़िया को जलाने के लिए गौरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी जल्दी से घर चले, हमें बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है ना। ऐसा बोलकर कालू और गौरी वहां से अपने घर चले जाते हैं। उसी शाम चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मम्मा बाहर जंगल में कालू अंकल और गौरी आंटी ने बहुत बड़ा टेंट लगाया है, मैं तो अपने दोस्त जग्गू और बुलबुले कबूतर के साथ ही होली खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। चिड़िया की बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और गुड़िया से कुछ कहती ही तभी गुड़िया बोल पड़ती है, और हाँ मैं तो अपने दोस्त जग्गू बुलबुले और कबूतर के साथ ही होली खेलूंगा, बड़ा मजा आएगा। गुड़िया की बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और गुड़िया से कहती है, हाँ गुड़िया बेटी कल होली है, कल हम दोनों मिलकर खूब होली खेलेंगे, सुबह में तुम्हारे लिए उल्लू चाचा के दुकान से पिचकारी और गुलाल ला दूंगी। तभी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, नहीं मम्मा मैं कहा ना एक बार मैं उस बड़े वाले टेंट में होली खेलने जाऊंगी, टेंट में सब कुछ है इसलिए आप मेरे लिए कुछ भी मत लाना, बस जल्दी से सुबह हो जाए तो सीधा टेंट में जाऊंगा, ऐसा बोलकर गुड़िया सो जाती है। गुड़िया की बात सुनकर टोनी चिड़िया बहुत रोने लगती है, वो अपनी बेटी को खुश देखकर गौरी वाली बात बता ही नहीं पाई, बेचारी रात भर चिंता से जगी रह गई। अगले सुबह होते ही चिड़िया उल्लू के दुकान से गुलाल और पिचकारी ले आती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो गुड़िया को घर में ना देखकर उदास हो जाती है और कहती है, हे भगवान मेरी बच्ची को वो गौरी भला बुरा न कह दे, मैं जानती हूँ गौरी को। बेचारी वहाँ से उड़ती हुई उस टेंट में जाती है। क्यों डांट रही हूँ आप? तभी गौरी गुस्से से गुड़िया से कहती है, ये बात अपनी माँ से जाके पूछ, अब बाहर निकल। अब